रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध गांजा के साथ तीन आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को गुढ़ियारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोको कॉलोनी स्थित काली मंदिर के पास घूम घूम कर गांजा की बिक्री कर रहे और ग्राहक की तलाश कर रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। आरोपियों के कब्जे से कुल 7 किलो गांजा एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को जब्त किया गया है। आरोपियों के कब्जे से जब्त कुल मसरूका 1,00,000 रुपए की है। आरोपियों के विरुद्ध गुढ़ियारी थाना पुलिस ने NDPS व नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जानकारी देते हुए CTSP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहन राजपूत उर्फ मोहन नेपाली 31 वर्ष, महेश पथौड़े उम्र 21 वर्ष, करणदास मानिकपुरी 20 वर्ष, ये सभी राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।